स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए हम देखते हैं न्यूज़पेपर द हिंदू के न्यूज़पेपर जो कि डेली अपलोड की जाती है और कुछ दिनों से अपलोड नहीं हो पा रही थी, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं फिर से अपलोड करने के लिए। और हम देखते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से हम इससे क्लोज टेस्ट और पैसेज को सही कर सकते हैं और इसे पढ़ने का सही तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो लिखा हुआ है क्या, इन आरएस यानी कि आरएस मीन्स राज्यसभा, इन राज्यसभा अपोजिशन ऑब्जर्व साइलेंस, अपोजिशन ने साइलेंस रखा है किस कितना साइलेंस फॉर 194 डेथ फार्मर्स के लिए, ठीक है ना, साइलेंस रखा। क्या आगे लिखा हुआ, दिल्ली बॉर्डर मोर फोर्टिफाइड, दिल्ली बॉर्डर जो है वो और ज़्यादा फोर्टिफाइड हो गया है, और ज़्यादा जो है वो सशक्त हो गया है, ठीक है, फोर्टिफाइड किया गया है उसे। अब एक चीज़ देखिए, मोर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, फिर दैन लगा हुआ है, तो आप कहेंगे कि मोर तो एडजेक्टिव, जैसे मोर टाल, जैसे मोर ब्यूटीफुल होता है, मोर इंटेलिजेंट होता है, तो मोर फोर्टिफाइड कैसे आ गया सर? तो मैं बता दूं आप लोगों को कि जो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो भी एडजेक्टिव का काम करती है ना, और कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है इसके पहले मोर लगा दें तो ये इस एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगी, और इसके पहले मोस्ट लगा दें तो ये इस एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। यहाँ पे यही किया गया है कि फोर्टिफाइड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये काम कर रहा है किसका, एडजेक्टिव का, इसके पहले मोर लगा दिए तो ये कंपेरेटिव डिग्री बन गई, यानी पहले से ज़्यादा और ज़्यादा किलेबंदी कर दी गई है ना। देन इंडियाज फ्रंटियर्स, आरजेडी एमपी मतलब ने कहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं ऑब्जर्व, एक मिनट आप लोग इसे देखिए ध्यान से, लिखा क्या हुआ है, अपोजिशन पार्टीज, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, ऑन ट्यूसडे ऑब्जर्व्ड ए 2 मिनट साइलेंस, ट्यूसडे को क्या किया है उन्होंने, 2 मिनट का साइलेंस रखा है। एक बात देखिए, 2 मिनट्स क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि बीच में हाइफन लगा हुआ है, और हाइफन जो है लगाने पर हमें प्लरल नाउन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मिनट साइलेंस, ठीक है। इन द राज्यसभा, और राज्यसभा के पहले हमेशा हम दा का यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा या सुप्रीम कोर्ट हुआ है ना, इसके पहले हम दा का यूज़ ज़रूर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे किया गया है। और देखते हैं दा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो जैसे कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जैसे रेड फोर्ट लिखा हुआ है, हम इसके पहले दा का यूज़ ज़रूर करेंगे। अगर ताजमहल लिखा गया है, इसके पहले भी हम दा का यूज़ ज़रूर करेंगे। कुतुब मीनार लिखा हुआ है, इसके पहले भी हम दा का यूज़ ज़रूर करेंगे। तो बात यहाँ इतनी समझ में आप लोगों को आएगी कि राज्यसभा टू पे ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि देने के लिए, ट्रिब्यूट को पे किया जाता है ना, श्रद्धांजलि देने के लिए टू 194 फार्मर्स, 194 फार्मर्स को हु डाइड, और हु के पहले आया है एंटीसीडेंट 194 फार्मर्स, 194 फार्मर्स चूँकि पर्सन है इसलिए हु आया है, अगर एनिमल या नॉन लिविंग होते तो इसके साथ हम विच या दैट का यूज करते, ठीक है ना। 194 फार्मर्स जो कि क्या हुए हैं, डाइड, जो क्या हुए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों में, ठीक है, और चूंकि यहाँ पे फ्यू लगा हुआ है, फ्यू के बाद आने वाला नाउन जो होता है वो प्लरल होता है, इसलिए यहाँ पे प्लरल नाउन यूज हुआ है। ड्यूरिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट, किसके प्रोटेस्ट के दौरान, फार्मर के प्रोटेस्ट के दौरान, ऑन द दिल्ली बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर्स पर, ठीक है, बात समझ में आई कि मनोज कुमार झा, मनोज कुमार झा के बाद हु लिखा हुआ है, हु क्या है, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट पर्सन है ना, और मनोज कुमार झा पर्सन है इसलिए हु आया है ना। अब देखते हैं मनोज कुमार झा हु ओपेंड, जिन्होंने ओपन किया है, किया क्या किया है, ओपन द डिबेट, हु ओपेंड द डिबेट, एक्यूज्ड द, उन्होंने क्या आरोप लगाया, एक्यूज्ड, सॉरी, एक्यूज्ड द गवर्नमेंट ऑफ होल्डिंग ए मोनोलॉग, है ना, एक्यूज के साथ ऑफ का यूज होता है, जिस चीज़ का दोषी ठहराया गया है उसके पहले, है ना, तो एक्यूज्ड किस चीज़ का, होल्डिंग ए मोनोलॉग इंस्टेड ऑफ ए डायलॉग, दो द्विपक्षीय बातचीत के बजाय एक ही एक पक्ष की बातचीत के लिए हम उन्हें क्या किया गया है, एक्यूज किया गया, ठीक है,
उसे इसके एक्यूज किया गया द दिल्ली बॉर्डर, यहाँ लिखा हुआ दिल्ली बॉर्डर, चूंकि द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन जरूर आएगा तो दिल्ली बॉर्डर नाउन है ना। चूंकि दिल्ली बॉर्डर सिंगुलर है इसलिए वाज आई है, वर्ब आई है वाज, वाज मोर फोर्टिफाइड, जो कि और ज़्यादा क्या हुआ है, किले बंद हो गया है। यहाँ पे देखिए फोर्टिफाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका काम करती है, एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव के पहले अगर हम मोर लगा देते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, और मोस्ट लगा देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है आपका, यहाँ पे यूज़ हुआ है मोर फोर्टिफाइड, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री हुआ है, इसीलिए मोर के बाद आया है देन, इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर से और ज़्यादा फोर्टिफाइड हो गया है ना। यानी दिल्ली बॉर्डर की तुलना की जा रही है इंटरनेशनल बॉर्डर से, कि इंटरनेशनल बॉर्डर से ज़्यादा फोर्टिफाइड किया गया है दिल्ली बॉर्डर को। ठीक है, ही सेड, उन्होंने क्या कहा, विद फोल्डेड हैंड्स आई रिक्वेस्ट यू, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, टू प्लीज़ अंडरस्टैंड द पेन ऑफ फार्मर्स, कि आप कृपया करके क्या समझें किसके दर्द को, किसानों के दर्द को। ठीक है, इन हार्श विंटर, इस कड़ी सर्दी में, यू स्टॉप्ड, आपने बंद कर दिया है, किसे, वाटर को, वाटर सप्लाई को, टॉयलेट फैसिलिटीज़ को, डग ट्रेंचेज, खाई खोद दी है ना, पुट बार्ब्ड वायर्स, कटीले तार लगा दिए हैं है ना, एंड इंस्टॉल्ड स्पाइक्स। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर झा हिट आउट, मिस्टर झा ने हिट किया, ये क्या और क्या कहा, एट द गवर्नमेंट के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा, फॉर इट्स एलेक्ड एवर्जन टू डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है असहमति, डिसेंट का मतलब क्या होता है, असहमति। ठीक है, आगे लिखा हुआ द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ पैट्रियटिज्म इज, पैट्रियटिज्म इज टू स्पीक अबाउट ए वेल बीइंग ऑफ नेशन है ना। द ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है, कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज जरूर करते हैं, और चूंकि ग्रेट जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, ग्रेटर कंपैरेटिव डिग्री है, और ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, चूंकि यहाँ ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ कर दिए हैं। द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ पैट्रियटिज्म, देशभक्ति का जो ग्रेटेस्ट एक्ट है, इज टू स्पीक, स्पीक के साथ टू भी लगता है और अबाउट भी लगता है, आप लोग लिख लीजिए, स्पीक, स्पीक टू या विद समबडी होता है ना, टू या विद समबडी, अबाउट समथिंग, अबाउट समथिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पीक अबाउट द वेल बींग ऑफ द नेशन, किसके बारे में बात करने के लिए, राष्ट्र के वेल बींग, कल्याण के लिए, एंड दैट डज नॉट मीन दैट, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आई शुड स्टैंड इन द ऑर्केस्ट्रा पार्टी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर एवर एंड ऑलवेज ही सेड। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है बिहार एंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बिहार ने ख़त्म कर दिया है किस चीज़ को, एमएसपी को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेस्ड क्रॉप प्रोक्योरमेंट इन 2016, और ये पास्ट का टाइम है, और पास्ट का टाइम अगर सेंटेंस में आ जाए तो वो हमेशा और हमेशा पास्ट इंडिफिनिट में होगा। ठीक है, ये पास्ट का टाइम है, पास्ट का टाइम है इसलिए पास्ट इंडिफिनिट है। ठीक है, अगर एगो आ जाए सेंटेंस में, एस्टरडे आ जाए, प्रीवियस डे आ जाए, पास्ट का टाइम आ जाए, पास्ट की घटना आ जाए, या लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर आ जाए, तो हमेशा हम किस में रखते हैं सेंटेंस को, पास्ट इंडिफिनिट में रखते हैं। यही वजह है कि बिहार के बाद एंडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, लिखा हुआ है बेस्ड प्रोक्योरमेंट इन 2006 एंड हाउ एंड, अच्छा, इट नाउ हैड ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स एंड नॉट फार्मर्स, बिहार हैज़ बीन टर्न इनटू ए लेबर सप्लाई स्टेट, किसमें बदल गया है, लेबर सप्लाई स्टेट में बदल गया है ना। यू वांट ए बिहार मॉडल, आपको ज़रूरत है किसकी, एक बिहार मॉडल की, इन, इनके बाद क्या लिखा हुआ है आगे, इन पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में ही आस्कर, उन्होंने क्या कहा। ठीक है, इतनी बातें उन्होंने डबल नोटेड कामा वाली कही है उन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं, फार्मर
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एच डी देवगौड़ा, देवगौड़ा की प्ली क्या थी, ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये जो फॉर्मर है ना, फॉर्मर का मतलब होता है क्रम में पहले, फॉर्मर का मतलब क्या होता है, क्रम में पहले, ठीक है, क्रम में पहले के अर्थ में हम फॉर्मर का यूज़ करते हैं, तो क्रम में बाद के अर्थ में किसका यूज़ करते हैं, तो ये जो लेटर होता है LETTER, लेटर, लेटर का मतलब होता है क्रम में बाद, 2019 CGL में जा कर के आप लोग देख लीजिएगा, पूछा गया है, हमने सॉल्व करा दिया है MB पब्लिकेशन की बुक में, ठीक है। एक होता है LETTER, ये लेटर होता है, लेटर का मतलब होता है समय में बाद, इसका मतलब क्या होता है, समय में बाद, ठीक है ना, तो बातें इतनी ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इस लेटर का समय में पहले के लिए क्या यूज होता है, अर्लियर, ये सब ऐसे लिखते जाइए, अर्लियर का मतलब होता है समय में पहले, अर्लियर का मतलब होता है समय में पहले, इसका अपोजिट क्या होता है, लेटर, लेटर का सॉरी LETTER, लेटर, लेटर का मतलब होता है समय में बाद, ठीक है। फिर आता है फार्मर, फार्मर मीन्स क्रम में पहले, और क्रम में बाद के अर्थ में LETTER, लेटर यूज करते हैं, ठीक है, क्रम में पहले के। पूर्व, भूतपूर्व जो प्राइम मिनिस्टर हैं कौन, एच डी देवगौड़ा, अपील्ड टू द गवर्नमेंट, ने गवर्नमेंट से क्या किया, अपील किया टू रिजॉल्व इशू एमिकेबली, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एमिकेबली, फ्रेंडली, है ना, एमिकेबली मीन्स फ्रेंडली, ठीक। अब एक बात देखिए आप लोग, अपील के साथ टू यूज होता है, तो ध्यान दीजिएगा, अपील, अपील और अपोलो गाइस, ठीक है, अपोलो गाइस, इसके साथ लगता क्या है, टू समबडी फॉर समथिंग, टू समबडी फॉर समथिंग, अपील और अपोलो गाइस के साथ टू समबडी लगता है और फॉर समथिंग लगता है, जिससे अपील की जाएगी उसके पहले टू, और जिस चीज के लिए अपील की जाएगी उसके लिए फॉर का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल दिया क्या गया है, रिजॉल्व दिस इशू, उसके बाद दिया गया है अपील्ड टू द गवर्नमेंट, किससे अपील कर रहे हैं, गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट के पहले टू लगा हुआ है, किस चीज के लिए अपील कर रहे हैं ये नहीं दिया है, ठीक है ना। अच्छा, टू रिजॉल्व द इशू एमिकेबली, एक देखिए ये दिया है इशू, एक इशू मीन्स होता है मुद्दा, और इसका प्लरल होता है इशूज, इसका प्लरल क्या होता है, इशूज, ठीक है। एक इशू का मतलब होता है संतान, एक इशू का मतलब क्या होता है, संतान, और जब इशू का मतलब संतान होता है तो यही सिंगुलर और यही प्लूरल होता है, एक इशू है तो, एक इशू है तो भी हम इशू ही लिखते हैं, और दो संतान है तो भी हम टू इशू ही लिखते हैं, इशूज नहीं लिखते हैं, संतान के अर्थ में ये इशू का इशू ही रहता है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, ही सेड द गवर्नमेंट, उन्होंने क्या कहा कि द गवर्नमेंट कुड नॉट एंड द प्रोटेस्ट बाय पनिशिंग फार्मर्स, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को ख़त्म नहीं कर सकती है, बाई पनिशिंग का मतलब क्या है, बाई प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, इसलिए पनिश की आईएनजी फॉर्म पनिशिंग आई हुई है, फार्मर्स को पनिश करके वो ख़त्म नहीं कर सकती है इस प्रोटेस्ट को। आगे क्या दिया है, इन ए नियरली आवर लॉन्ग स्पीच, घंटों तक चली स्पीच के, लगभग एक घंटे तक चली, मतलब घंटों तक चली स्पीच से, तृणमूल लीडर, ये नाम लिखा हुआ है जो भी है, डेरेक ओ ब्रायन, एलिग्ड दैट, इन्होंने क्या आरोप लगाया, तृणमूल लीडर है इनका नाम है ये, इन्होंने क्या आरोप लगाया कि द गवर्नमेंट हैड फेल्ड, गवर्नमेंट फेल हो चुकी थी ऑन ऑल अकाउंट्स, ठीक है, सभी मुद्दों पर वो क्या हो चुकी थी, फेल हो चुकी थी, इन दीज टाइम्स, इस समय में, है ना। आगे लिखा हुआ है, वी मस्ट बी थैंकफुल फॉर स्मॉल फ्रीडम, और थैंकफुल और ग्रेटफुल के साथ फॉर लगता है, तो लिख लीजिए थैंकफुल और ग्रेटफुल, थैंकफुल और ग्रेटफुल, जी आर ई ए टी नहीं होता है, जी आर ए टी ई होता है, ग्रेटफुल टू समबडी, समबडी और फॉर समथिंग, ये भी होता है, अभी हमने बताया अपील और अपोलो गाइज के साथ यही, और यही हमने बताया है थैंकफुल और ग्रेटफुल के साथ, टू समबडी फॉर समथिंग, यही वजह है कि थैंकफुल के बाद यहाँ फॉर लगा हुआ है। स्मॉल फ्रीडम्स लाइक द फ्रीडम टू स्पीक विदाउट माइक बीइंग म्यूटेड, ठीक है,
बातें इतनी आप लोगों को समझ में आ रही हैं कि किस तरीके से हमें न्यूज़पेपर को पढ़ना है ना। और आप लोग इसी तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़िए ज़रूर, बिकॉज अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, उसकी हिंदी निकालेंगे, उसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस देखेंगे, उसमें सब्जेक्ट देखेंगे, उसमें वर्ब देखेंगे, उसमें प्रीपोजिशन देखेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे तो आप लोगों की ग्रामर काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और वीडियो थोड़ी शॉर्ट आज चलेगी और कुछ दिन में ही ज़्यादा मतलब और ज़्यादा ही मैं कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, बिकॉज थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम रहती है, बट मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपलोड हो, चाहे वो अम्बी पब्लिकेशन है वो डेली अपलोड हो, चाहे आपका न्यूज़पेपर हो, न्यूज़पेपर भी डेली अपलोड करने की कोशिश हम पूरी करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और देखते रहिए, और आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।